वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। आई विल ईट ओनली वाइट कलर फूड। आज मैं सिर्फ वाइट कलर का खाना खाऊंगी और ड्रिंक लाइक एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी 11 बज रहे हैं एंड मैं काफ़ी लेट भी उठी थी बिकॉज मैंने रात में मूवीज देखी थी। हमेशा प्रॉमिस करती हूँ कि मैं नहीं देखूंगी बट मैं देख लेती हूँ। एंड मैंने अपना वर्कआउट भी मिस कर दिया बट आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं पक्का शाम को तो ज़रूर करूँगी। सो दिस इज माई कॉफ़ी मग एंड आई एम मिसिंग माई कॉफ़ी एंड सी आई एम हैविंग मिल्क राइट नाउ एंड सो अभी 1:30 हो रहा है और मैं नाली में थोड़ा सा घर का काम ही कर लिया और मैंने ये टॉप पहना हुआ है जस्ट फॉर द वाइफ वाइट फूड का थोड़ा सा साथ देने के लिए। एंड द फन थिंग इज मुझे हर 2 घंटे में भूख लगती है एंड मैं मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या खाऊंगी बट आई विल डू माई बेस्ट। एंड अब मैंने अपनी बहन से बोला कि मेरे लिए जीरा राइस बना दे एंड आई नो थोड़ा चैट ज़्यादा करती है तो लेट्स। दीदी बन गया क्या? तुम करो, खराब एंड मेरा चिक चिक वाला जीरा राइस रेडी है तो आई एम हैविंग इट। सो गाइस इट्स 3:15 राइट नाउ एंड जैसे मैंने बोला था कि मेरे को हर 2 घंटे में भूख लगने लगती है तो मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गई है और मैं किचन में कुछ ढूंढ रही थी तो मेरे को कुछ मिल गया एंड आई गॉट दिस। इसको हम लाइव बोलते हैं, मेरे यहाँ पे इसको लाइव बोला जाता है एंड आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड सी व्हाट्स द कॉम्बिनेशन। मेरा वाइट टॉप भी वाइट है, मेरा बाउल भी वाइट है और अंदर का फूड भी वाइट है तो आई एम हैप्पी। सो गाइस इट्स 6:00 राइट नाउ और मेरे को ठंडा पीने का बहुत मन कर रहा है तो मैं बनाना शेक बनाने वाली हूँ प्लस इट्स अ वाइट ड्रिंक सो लेट्स पे। सो गाइस द इंग्रेडिएंट्स जो मैं यूज़ करूँगी वो है बनाना एंड मैंने ये पूरा कप भर के मिल्क लिया हुआ है एंड ठंडा है वो एंड ये चीनी दिख रही है चीनी और इलायची तो चलो बनाते हैं। बनाना शेक इज रेडी एंड आई एम गोइंग टू हैव इट। यार टेस्टी बना है, मैं भी इतना अच्छा बना लेती हूँ यार। फर्स्ट टाइम बनाया बाय द वे एंड इट्स रियली गुड। इट्स ऑलरेडी 8 नाउ एंड मेरा कुछ हैवी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो मैं व्हाइट सॉस पास्ता बनाऊंगी एंड इफ यू वांट द लिंक ऑफ द व्हाइट सॉस पास्ता रेसिपी आई विल put the link in the description box below and also do follow me on Instagram and chalo main banane ja rahi hu। गाइज माई वाइट सॉस पास्ता इज रेडी और इतना सारा बना है क्योंकि मैंने सबके लिए बनाया है। मेरी ग्रेवी बहुत टेस्टी बनी हुई है, आप भी खाओगे आप भी बोलोगे वाओ। तो मैं सर्व करने जा रही हूँ। आई एम अ ग्रेट लवर ऑफ चीज़, मैं इसके ऊपर चीज़ डालूंगी। मेरा वाइट सॉस पास्ता तो ऑलरेडी रेडी है तो मैं डाल रही हूँ सी दिस इज लुकिंग सो अमेजिंग एंड सो टेस्टी। अभी टेस्ट नहीं किया है बट मुझे पता है मैंने बनाया तो अच्छा ही बनाया होगा ऑब्वियसली। एंड फॉर द टेस्ट आई विल ऐड ओरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स और ज़्यादा ही टेस्टी बन जाएगा ये। सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माई पास्ता एंड बहुत मेहनत से बना हुआ है, मैंने बहुत पसीना निकाला, 1 घंटे से लगी हुई थी बनाया एंड नाउ आई एम गोइंग टू ईट इट। सो गाइस अभी 11:00 बज चुके हैं और आई एम गोइंग टू सी अ मूवी एंड अगेन यस दोबारा देखने जा रही हूँ मैं और हम नहीं सुधरेंगे भाई क्योंकि मुझे मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है और आई एम हैविंग पॉपकॉर्न जो भी वाइट कलर का है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने ये कैसा किया। लाइक
कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बाय बाय।